नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर शिफाली, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हाँ SPS हॉस्पिटल। तो अज असी एक डिफिकल्ट केस बारे थोड़े नाल गल करन वास्ते आए हाँ। ये पेशेंट साढ़े कोल प्रेगनेंसी विच आए सीगे, अराउंड 6th month ऑफ प्रेगनेंसी। इन्हों दा प्रीवियस पहले चार वड्डे ऑपरेशन नाल बच्चे होए हुए सी, ते हुण ये 5th प्रेगनेंसी दे विच साढ़े कोल आए सीगे। रेफर होके आए सीगे बिकॉज एक तो 5th सिजेरियन सैक्शन सी, विच इज़ इट सैल्फ अ हाई रिस्क कंडीशन, तो दूसरा इन्हों का बेबी जो है वह शुरू तो ही ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन दे विच जा रहा सी। मतलब कि बच्चे की ग्रोथ जो है, जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए है, उस तो पिछे चल रही सी राइट फ्रॉम 5th-6th month ऑफ प्रेगनेंसी। सो ये दो हाई रिस्क कंडीशन हो गई। एक तो यह कि मल्टीपल सजेरियनज होने के करके देर आर हाई चांसिज कि इन्हों के सर्जरी के डिफिकल्टी आती है, क्योंकि बच्चे की जी ऑल है वह चिपकी हुई हो सकती है, या बच्चे दे बच्चेदानी के नाल जिहड़ा ब्लैडर है, यूरिन वाला रस्ता जिहड़ा हुंदा है, वह चिपकिया होया हो सकता है। सो एक तो सर्जिकल डिफिकल्टी हुंदी है इहदे विच, इस तरह के केसिस दे विच। ते सैकेंडली बच्चे की मैनेजमेंट जिहड़ी है वह भी डिफिकल्ट हुंदी है, बिकॉज इहनू इस कंडीशन नू असीं अर्ली ऑनसेट IUGR कहिंदे आ, जिहनूं शुरुआत तो ही ग्रोथ की कमी बच्चे दे विच शुरू हो जाती है। सो ये पेशेंट साढ़े को OPD के फॉलोअप से चल रहे थे अराउंड 30-31 weeks के आसपास, मतलब 8th महीने की शुरुआत के इन्हों पेन्स शुरू हो गई, जिस दे वास्ते असी इन्हों एडमिट किया। एडमिट करके दर्दा रोकण की कोशिश की ताकि थोड़े दिन निकल जाए, पर इन्हों का बिकॉज ऑफ लेबर पेन्स सानू सजेरियन करना पिया एट अराउंड 31 weeks and 2 days, मतलब कि 8th महीने की बिल्कुल शुरुआत में ही, जिस टाइम पर बच्चे का वेट जिहड़ा सीगा वो अराउंड 1.3 kg सीगा, which is very less for this time. So this in itself is a high risk condition. During surgery, inada previous 4 cesarean hone de karke assi blood arrangement and har tarah de high risk nu anticipate karde hoye puri taiyari de naal operation theater de vich surgery kiti. Inna di jehdi peshab di thaili si oh bachedani de naal bilkul chipki hoyi si, but fir vi safely we could deliver the baby. And now the mother has been sent home very safely. And naal hi assi tubal ligation bacche band karan di surgery vi naal hi kar ditti hai. So is video to sade dassan da matlab eh hai ki this is a high risk condition. Jadon multiple cesareans hunde hai, odon mother vaste te bacche vaste donna de vaste khatre di gal hundi hai. Eh bachcha 1.3 kg da paida hoya siga with severe growth restriction. So is bacche nu almost 4 weeks da nursery stay rakhna piya. तो नर्सरी स्टे दे विच भी काफ़ी कॉम्प्लीकेशनस आई हैं, जो साढ़े न्यूनेटोलॉजिस्ट थानू ब्रीफ करेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द रेयर केसिस, क्योंकि अजकल 2 या 3 सजेरियंस तो ज़्यादा जिहड़े सजेरियंस हैगे ने वो बहुत घट देखे जाते हैं, तो इन्हों केसिस दे विच बहुत कॉम्प्लीकेशनस होने के चांसिस होंगे। इस पेशेंट नू असी अपनी टीम दे नाल, अपने न्यूनेटोलॉजिस्ट सपोर्ट दे नाल, ICU एनेस्थीजिया वाले डिपार्टमेंट्स की सपोर्ट दे नाल अच्छी तरह संभाल पाए, एंड असी हुण इन्हां नूं मदर और बेबी दोनों नूं हैप्पीली घर भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच। हेलो, आई एम डॉक्टर रितु, न्यूनेटोलॉजिस्ट फ्रॉम SPS हॉस्पिटल लुधियाना। सो आई विल बी टेलिंग यू द सक्सेस स्टोरी ऑफ वन ऑफ माई पेशेंट, जो हमारे पास बेबी आया, प्री टर्म बच्चा था 31 week विद IUGR। दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि बच्चे की जो ग्रोथ है माँ के पेट में कॉम्प्रोमाइज़ थी। तो जब बच्चा बोर्न हुआ, बच्चे का वेट 1.3 kg था, जो कि बहुत कम माना जाता है। उसके अलावा बच्चे को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत थी, जिसको हमने मैनेज किया एक स्पेशल मेडिसिन से जो कि लंग्स में दी जाती है, और बच्चे को वेंटिलेशन पर रखा गया फॉर 4 days। क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ था माँ के पेट से, तो ऐसे बच्चों में कॉम्प्लिकेशन थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इस बच्चे में भी कुछ एक कॉम्प्लिकेशन हुआ, जिससे क्या होता है कि लेफ़्ट लंग में हवा भर गई, जो कि राइट लंग को प्रेस करने लग गया। सो जिसकी वजह से बच्चे को सांस की दिक्कत में आराम नहीं आ रहा था। हमने CT स्कैन करवाया और उसमें पाया गया कि बच्चे को बहुत सारी मल्टीपल एयर पॉकेट्स बन चुकी थी। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है, ये 20% बच्चों में पाया जाता है इन विद वेरी सीवियर RDS। तो ऐसे में इलाज करना, ऑक्सीजन से हटाना एक बहुत बड़ा मुश्किल चैलेंज था हमारे पास। बट विद द हेल्प ऑफ माय NICU स्टाफ एंड विद
यू नो टाइमली डिसीजन मेकिंग की वजह से हम इस बच्चे को वी कुड सेव द बेबी और बच्चे को हमें सीपैप जो है ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत जो कि लंबे टाइम तक रही ग्रेजुअली हमने उसको ओवर द टाइम बच्चे को हटा दिया गया और आज हमारा बच्चा वजन 1.7 केजी के साथ हैप्पी है हेल्दी इन द रूम एयर एंड बच्चों को आज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं ऑन मदर्स मिल्क मतलब बच्चा आज 1.7 केजी के साथ हेल्दी है विद नो ऑक्सीजन सपोर्ट एंड बेबी इज़ गोइंग होम सो वी हैव मैनेज दिस केस वेरी मच कंफर्टेबली एट कंजर्वेटिवली थैंक यू मेरा नाम सोनिया मैं माछीवाड़े तो बिलोंग कर दी हाँ मेरा केस काफ़ी क्रिटिकल सी डॉक्टर शिफाली को मैं SPS हॉस्पिटल दे विच आई सी प्रैगनेंसी टाइम डॉक्टर शिफाली ने मैं दस्या सी कि मेरा केस काफ़ी क्रिटिकल है तो बेबी मेरे की ग्रोथ नहीं सी हो रही तो डॉक्टर शिफाली ने 31 वीक्स से मेरा बेबी की डिलीवरी की सी तो ये केस मेरा बहुत ज़्यादा हाई रिस्क सीगा तो हाई रिस्क के कारण भी मेरा बेबी उन्होंने मैनू मतलब सही सलामत मैनू दिता आ तो ये मैं डॉक्टर शिफाली की बहुत धन्यवाद हाँ तो इस के बच्चे की ग्रो वेट बहुत घट सी तो वेट घट होने के कारण डॉक्टर रितु ने इनकी केयर की आ तो उन्होंने एक महीने के मैं ये बेबी मेरा दिता है तो मेरा बेबी 3 दिन वेंटीलेटर से रहा है बट फिर भी हाई रिस्क के कारण भी उन्होंने मेरा बेबी मैंने 1 मंथ के मेरा बेबी सही सलामत मैंने दे दिता गया मैं सारी टीम की SPS हॉस्पिटल की बहुत धन्यवाद हाँ डॉक्टर रितु की एंड डॉक्टर शिफाली की बहुत दिलों धन्यवाद हाँ मैं कमलजीत कौर मेरी बेटी सोनिया वर्मा माछीवाड़ा तो बिलोंग करते हैं मेरी बेटी दे 31 हफ्तों के बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा वीक सी असी डॉक्टर शिफाली दे कोले आए तो उन्होंने सानू दस्या कि केस बहुत ज़्यादा रिस्की है और बच्चे दी अंदर ग्रोथ नहीं हो रही इस करके अपना इसका इलाज वधिया ढंग नाल करते हाँ असी डॉक्टर शिफाली कोल आंदे रहे तो इहदी ग्रोथ नहीं वधी तो डॉक्टर शिफाली ने सानू बहुत अच्छी तरह संभालिया बच्चे का जन्म होया बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा घट सी उस तो बाद सानू डॉक्टर रितु जी ने बहुत चंगी तरह साड़ी देखभाल की बच्चे की देखभाल की और इन्हां दी टीम ने बहुत ज़्यादा वधिया ढंग दे नाल बच्चे की देखभाल की और अज बच्चे की बच्चा अज 2 किलो के करीब हो चुका है 1 महीना असं हॉस्पिटल के रहे हाँ तो इन्होंने सानू बड़े ढंग अच्छे ढंग दे नाल संभालिया असी डॉक्टर शिफाली का और डॉक्टर रितु जी का दिलों धन्यवाद करते हाँ और SPS हॉस्पिटल का सारे हॉस्पिटल की टीम का असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ इस तरह असी अगों भी मतलब पेशेंट नूं दसांगे कि बहुत वधिया हॉस्पिटल है तुसी उत्थे जाओ